ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोविड पॉजिटिव लड़की के दून अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद कोरोनेशन अस्पताल पहुंचने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दून अस्पताल का टेक्निकल झूठ हजम करने के मूड में नहीं दिख रहा कोरोनेशन अस्पताल। कोरोनेशन अस्पताल ने दून अस्पताल के कोरोना संबंधित तथ्यों को भी संदिग्ध बताया है। इस पूरे मामले में सच पर पर्दा डालने व महामारी एक्ट के उल्लंघन पर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की भी मांग तेजी से उठ रही है। गुरुवार को कोरोनेशन अस्पताल कर्मियों ने गंभीर मुद्दा उठाते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखा है। पत्र का कुल लबोलुआब ये निकलता है कि कोविड मरीज की वजह से कोरोनेशन अस्पताल ही खतरे की जद में आ गया है। पत्र में कोरोना के जिला नोडल अधिकारियों की कार्य शैली पर भी तीखे सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव बहन 9 जून तक लगातार अपने बीमार भाई के साथ रही। कोरोना पॉजिटिव लड़की की दोबारा जांच भी नहीं की गई और किस आधार पर कोरोना ग्रस्त मरीज को हफ्ते भर के अंदर संक्रमण मुक्त मानते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया। उक्त लड़की के अपने भाई के तीमारदार व कोरोनेशन स्टाफ के संपर्क में आने अन्य जगह से आने वाले मरीज भी संकट से घिर गए हैं। उधर दून अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि मानवीय आधार पर बहन को भाई की तीमारदारी की छूट दी गई, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज का सामान्य वार्ड में जाकर इस तरह लकवाग्रस्त भाई के साथ रहने से संक्रमण नहीं फैला होगा। क्या 4 जून के बाद कोरोना पॉजिटिव लड़की से संक्रमण फैलने का डर नहीं था? दून अस्पताल प्रबंधन ने भी पत्र के जरिए कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। इसके अलावा चमोली जिले से आए बीमार लकवाग्रस्त भाई के उपचार में भी लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। कोरोनेशन में भर्ती होने के बाद बीमार लड़के के पेट से लगभग 1.5 लीटर मवाद युक्त पानी निकाला गया, जबकि वह लड़का 28 मई से 8 जून तक अस्पताल में भर्ती था। इस बीमार युवक का सही इलाज न होने पर भी कोरोनेशन व दून अस्पताल के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कोरोना संकट में दून अस्पताल में मनमानी लापरवाही व लीपापोती का ये मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। कोरोनेशन कर्मियों ने आर पार की जंग के लिए कमर कस ली है। लड़के का इलाज कर रहे कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर बिष्ट ने दून अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मैं एक चीज के लिए कहूंगा कि जो गाइडलाइंस नहीं आई थी उनके अनुसार उन्होंने उसको डिस्चार्ज किया बहन को जो पॉजिटिव थी, लेकिन गाइडलाइंस को इतना सख्त बनाकर जो सरल चिकित्सकीय आपका विवेक है, डॉक्टरी विवेक को ताक पर नहीं रखा जा सकता है गाइडलाइन की आड़ में। गाइडलाइन जो भी कहती हो, यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी कि कोरोना पॉजिटिव बहन तीमारदार थी, कोरोना नेगेटिव गंभीर रूप से ग्रस्त भाई थी। तो ऐसे में किसी अन्य अस्पताल से करने से पहले दोनों का ही सैंपल अगर नेगेटिव आता तभी भेजा जाना चाहिए था। ये मेरी निजी राय है, मुझे लगता है किसी भी विवेकपूर्ण डॉक्टर की यही राय होगी, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियां थी। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि गाइडलाइन है कि 10 दिन में मरीज को भेजना ही है बाहर, या बाहर ही भेजना था तो उसको अलग कर देना चाहिए था दून अस्पताल ने। भाई बहन को जब साथ में रखा तो 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच तो उनमें आपस में संक्रमण फैलने की संभावना बनी, तो किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि 4 तारीख को क्या आपने जो कोरोना पॉजिटिव बहन थी उसे नेगेटिव मान लिया? मेरा कहना यह है कि गाइडलाइन एक दिशा निर्देश होते हैं, वो किसी की जान को बचाने के लिए होते हैं। किसी की जान को जोखिम में डालने के लिए गाइडलाइन का गलत इस्तेमाल नहीं होता। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।